फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर बैलगाड़ी की हुई ट्रेन से टक्कर, घटना में 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। मुंगेर से आई दिल दहला देने वाली घटना सामने, सन की बाप ने की 3 बेटियों सहित पत्नी और मां की हत्या। और दलसिंह सराय में एक बार फिर मां की ममता हुई शर्मसार, पोखर में फेंके नवजात के शव को एक कुत्ता नोच नोच कर खाता दिखा। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत छपरा से करेंगे। छपरा के अपर समाहर्ता सह लोक शिकायत पदाधिकारी डीपीओ और बीडीओ के नेतृत्व में 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने को लेकर सभी विद्यालयों के शिक्षकों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें कई दिशा निर्देश भी दिए गए। 3 इशू इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है कि हम लोग यहाँ पे सेक्टर्स और उसके नीचे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी बैठक की गई आज। कोऑर्डिनेटर्स लेवल पे सबसे बड़ा चीज़ है कि वो नीचे माइक्रो प्लानिंग अपना तैयार करें कि कैसे हम लोग उनका पर्टिकुलर 400 पर्सन्स जो उनको इंटरेस्ट किया गया, उनको दिया गया है, उसको कैसे वो भरेंगे। तो इसी के लिए हम लोग इसमें विचार विमर्श करने के लिए आज हम लोगों ने बैठक रखी थी, जिसमें डिटेल्स इन लोगों के द्वारा बताया गया कि कैसे प्लान किया हुआ है, कैसे 400 कौन सा लोग होंगे, वो स्कूल्स होंगे, आंगनवाड़ी होंगे, जीविका से होंगे, सप्लाई से, आपूर्ति से होंगे, सारे लोग इसमें एक उन लोग सभी लोगों की अलग अलग एक नीचे स्तर पे एक टीम बना के, एक लीडरशिप बना के, लीडर बना के उसको हम लोग सभी लोगों को लाएंगे जो यहाँ पे 400 उनको इंटरेस्ट किया गया है। इसी प्रकार सभी अलग अलग जो सेक्टर्स हैं हमारे, उसके सारे नीचे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सारे आए थे आज। उन लोगों सभी लोग ने इसी तरह के अपना अपना प्लानिंग बताया और उसी को इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग सफल होंगे। जो 19 तारीख का कार्यक्रम है मानव श्रृंखला बनाने का, जिसका उद्देश्य आपको अच्छी तरह पता है, उसी के लिए हम लोग आज बैठे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, अपर समाहर्ता लोक शिकायत। अपराधियों ने जमुई टाउन थाना क्षेत्र में मेराज नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि मेराज पूर्व मुखिया एजाज का भाई था। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में आए अपराधियों ने मेराज को 3 गोली मारी और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। नमाज पढ़ करके मेराज, जो पूर्व अमृत पंचायत का मुखिया एजाज का भाई है, ये ऐसा कर नमाज पढ़ के निकला था। रास्ता में कोई घात लगा के बैठा हुआ था, वो पीछे से बिल्कुल कंचप्पड़ में सटा गोली मारा है। उसका हालत सीरियस है, जो यहाँ से रेफर कर दिया गया। कितने गोली लगा है अभी तक? तो है कि 1 गोली लगा है। अच्छा, कुछ पहचान हुआ है अपराधी कौन था? भागा है कुछ लड़का, उसको कुछ दूर रगेदा भी है, लेकिन इसको देखने में रह गया, फिर तो लोग भाग गया, पहचान नहीं सका। जो पहचाना होगा तो बाद में बताएगा। जो कितने संख्या में थे वो लोग? 4। परसा के युवक की उदयपुर में मौत के बाद शव के घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक चंदन कुमार सहनी राजस्थान के उदयपुर में राजमिस्त्री का काम करता था, जहां निर्माण स्थल पर गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। वही घटना की सूचना पर मुखिया प्रतिनिधि राजकिशोर राय ने पीड़ित परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और इसके साथ ही सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। चंदन कुमार सहनी, पिता रविंदर सहनी, ये उदयपुर में रहते थे, राजमिस्त्री काम करते थे। अचानक परसों वहीं पर सर्दी की वजह से पानी में गिर गए, बगल में तालाब टाइप का बना हुआ था, जिससे उनकी मौत हो गई। उदयपुर थे, वहाँ काम करते थे और राजमिस्त्री का काम करते थे, तो वहाँ सीढ़ीपुर से गिर गए और यहाँ के निवासी हैं बलिगांव का। जनजीवन हरियाली को लेकर 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी में प्रखंड पदाधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी तैयारी की जा रही है। खासकर मानव श्रृंखला को सफल बनाने में जीविका दीदी के द्वारा लगातार पूर्वाभ्यास भी किया जा रहा है। वहीं एक विद्यालय में मानव श्रृंखला को सफल बनाने को लेकर छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास करते हुए शराबबंदी, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों को मिटाने के लिए एकांकी नाटक की प्रस्तुति की और इसके साथ ही रंगोली भी बनाई। परसा में 19
21 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला निर्माण को लेकर बीडीओ रजत किशोर सिंह ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बीडीओ रजत किशोर सिंह ने कहा कि हर हाल में मानव श्रृंखला को सफल बनाने की तैयारी में लगे रहे, किसी भी स्तर से कोई कमी न रह जाए। आंगनबाड़ी और सोबेपुर अररिया के आजाद अकेडमी के मैदान में CAA, NRC और NPR के खिलाफ हजारों लोग जमा होकर अपना विरोध जताया। वहीं गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता सह विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ JNU के कई छात्र नेताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए इस काले कानून में उलझा रही है। सीमांचल के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये लड़ाई मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई है। गोलरकर और सावरकर की विचारधारा के बनाम फुले, पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की लड़ाई है। ये आइडिया ऑफ इंडिया, संविधान के जो मूल्य है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र बनाए, उसको बचाने की लड़ाई है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अररिया में ये लाखों लोग जमा हुए हैं और NRC और CA के खिलाफ खड़े हैं। ये सिर्फ CA और NRC के खिलाफ नहीं खड़े हैं, ये संविधान बचाने के लिए खड़े हैं। और वो संविधान बचाने के लिए खड़े हैं जो संविधान के लिए हमारी पुश्तों ने, चाहे वो बिहार के हो चाहे गुजरात के हो, सब ने जो है अंग्रेज़ों के सामने लड़ा था और अंग्रेज़ों के सामने अपना बलिदान दिया था। आज वही उसके बाद हमें संविधान मिला था, तो आज वही संविधान बचाने के लिए महिलाएं निकली, छोटे छोटे बच्चे निकले, बुजुर्ग निकले और नौजवान निकले हैं। तो बिहार जो है हमेशा से ही ऐसा रहा है कि आज़ादी के टाइम पे भी गांधी यहाँ आए थे और यहाँ से आज़ादी का बिगुल फूका गया था चंपारण। बात बनने का कोशिश कर रहा है, इनको हम इस मंच से बता देना चाहते हैं कि हमारे माँ पिता भारत सिर्फ संविधान है और देश संविधान से चलेगा, आपके किसी फरमान से नहीं। समस्तीपुर खगड़िया रेल खंड पर एक रेलवे गुमटी पार करते समय समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन से 5 लोगों की कटकर मौत हो गई, जिसके बाद गेटमैन गेट छोड़कर फरार हो गया। यह घटना उस समय हुई जब बैलगाड़ी से यात्री रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे और इसी बीच समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन से टकराने से ये हादसा हुआ। वह इस घटना में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। जीरो माइल पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के 5वें दिन SP संतोष कुमार ने वाहन चालकों को जागरूक किया। बता दें कि शिवहर में बिना हेलमेट के चलने वाले वाहन चालकों को SP संतोष कुमार ने गुलाब का फूल देकर जागरूक किया। फारबिसगंज प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ई किसान भवन परिसर में अनुमंडल स्तरीय 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण सह उपादान मेले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक केसरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है किसानों की आमदनी को 2022 तक 2 गुना करना, मगर इसके लिए किसान भाइयों को भी जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि मक्का और गेहूं के बेहतर उपज के लिए सरकार के द्वारा बिहार को पुरस्कार मिला है और ये गौरव की बात है। किसान जो मुख्य रूप से जो किसानी कर रहे हैं, आप बहुत ही ऊंचे हैं। मुंगेर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सन की बाप ने 3 बेटियों सहित पत्नी और अपनी मां की जान ले ली। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होने की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मामला खड़गपुर थाना इलाके के कन्हैया टोला की है, जहां घर के मुखिया ने घर के 5 लोगों की हत्या करने के बाद खुद भी छत से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। चल घर, यहाँ क्या कर रहे हैं?
समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अजना गांव से पुलिस ने एक शव को बरामद किया है, जिसकी पहचान गुंजन देवी के रूप में की गई है। वहीं प्रथम दृष्टि में शव को देखने से फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है। मृतिका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने मिलकर गुंजन की हत्या की है। वही थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह का कहना है कि जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। वही मृतिका के ससुराल वाले फरार है। दमाद है, उसका माँ है, सब है, वही सब। क्या नाम है दमाद का? जी हुआ है, काहे मार दिया है? क्या मार दिया है? क्या नाम क्या है उसका? सुधीर राम। दलसिंह सराय शहर के रामपुर जलालपुर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे एक बार फिर ममता तब शर्मसार हो गई जब एक नवजात के शव को कुत्ता नोच नोच कर खाता दिखा। कुत्ते को नवजात के शव को नोचते देख सड़क से जाती महिलाओं ने जन्म देने वाली अनजान मां को कोसती रही। बता दें कि अनुमंडल अस्पताल रोड में दर्जनों नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित है। से 24 जनवरी तक जिले में चलने वाले सघन पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में एएनएम हॉस्टल की छात्राएं और एनसीसी 38 बटालियन के कैडेटों ने हिस्सा लिया। रैली को नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि जागरूकता रैली को निकालने का मकसद है कि लोग इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करते हुए अपने बच्चों को पोलियो से मुक्ति दिला सके। जागरूकता अभियान के लिए रैली निकाली जा रही है। पल्स पोलियो मेंटेनेंस स्टेज में है, जो से पोलियो का कोई केस नहीं मिले, क्योंकि पड़ोसी को पोलियो अभी हो रहा है। 20 जनवरी से एक पोलियो चल रहा है, आज उनका पूरा हुआ है। एक्चुअली बहुत खुशी है, ये ब्रेक और स्मॉल पॉक्स के पास ये थर्ड बीमारी है, जिसको हमारा बीमारी कंट्रोल कर दिया है। अररिया में संथालों के ईसाई धर्म परिवर्तन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अररिया जिले के मिर्जापुर में ग्रामीणों ने इसकी पुष्टि भी की है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो दो दिन पूर्व 5 विदेशी फारबिसगंज प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत पहुंचे थे। बता दें कि फारबिसगंज और रानीगंज प्रखंड संथाल बाहुल्य इलाका है, जहाँ पिछले 20 सालों से यहाँ गुपचुप तरीके से संथाल समाज का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जिले में जब धर्म परिवर्तन को लेकर स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो सभी विदेशी वहां से भाग खड़े हुए। फारबिसगंज प्रखंड मिर्जापुर में गरीब लोगों को एकत्रित करके प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। विदेश के लोग थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता जब एकत्रित हम लोग होने लगे तो ये विदेशी लोग वहां से भाग निकल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुरक्षा व्यवस्था कैसा है, जो विदेश का लोग डायरेक्ट आ करके गरीब को एकत्रित करके धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में प्रशासन को देखना चाहिए, किसी भी अधिकारी अभी तक इस मामले को लेकर के दिलचस्पी नहीं दिखाया है। बाद में किसी भी तरह का अनहोनी ऐसे में हो सकता है। डीएसपी क्या करें? डीएसपी से मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि ठीक है, इस मामले को देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का पहल इस मामले पे नहीं किया गया है। गलत काम नहीं करना, नशा नहीं करना, दारू शराब नहीं पीना, अच्छा काम करना, ये सब समझाया। गलत काम करने में बुरा है। तो ये जो मैं आप लोग तो संथाली है ना? हाँ। ये कितने दिनों से ईसाई जो है बने? 15 साल से चल रहा है। इससे पहले हम लोग 1990 से पहले, हाँ, पहले से चल रहा है। ये कब बना यहाँ पे? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से। क्या नाम हो आपका? दिलीप मरांडी। अच्छा, क्या लगता है इस ईसाई धर्म में सबसे अच्छा बात क्या है? अच्छा बात यही है कि पहले बहुत कुछ से दुखी थे, इसको माने अपनाए तो हम लोग बहुत सुखी हैं। सरकारी स्तर पर सरकारी विद्यालयों में ड्रेस समेत कई साधन
विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब तबके के बच्चों को शीतलहर के समय ठंड से बचाव के लिए सरकार कोई सुविधा नहीं दे पाती है। लिहाजा मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ने सरकारी विद्यालय के बच्चों के बीच ऊनी कपड़ों का वितरण किया ताकि बच्चों को जिले में जारी भीषण ठंड से राहत मिल सके। ये आपसी सहयोग से हम लोग कर रहे हैं, आपस में ही हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो सदस्य हैं, उनके कॉपरेशन से ही हम लोग ये कर पाए। चयन किस आधार पर किया गया? स्कूल का चयन तो हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ही ऐसा जगह पर है जहाँ पे हमें लगा कि गरीब मोहल्ले के बीच में ये स्कूल है। तो सरकारी स्कूलों में जनरली जो मतलब आर्थिक रूप से बच्चे कमजोर लोग होते हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। मैं मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP श्रीवास्तव इस बात को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि मैंने जो सर्वे किया उसमें प्रायः यह पाया कि सरकार की ओर से जो उन्हें सामग्री मिलती है उसमें स्वेटर और टोपी का कोई प्रावधान कहीं नहीं है। इधर जो कड़ाके की ठंड पड़ी है इसमें हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच वूलन स्वेटर टोपी का वितरण किया जाए। जो प्राइवेट स्कूल है उसमें काफ़ी धनाढ्य परिवार के संपन्न परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ इस कार्यक्रम को नहीं करके हम लोगों ने टारगेट किया सरकारी स्कूल को। और उसमें हम लोगों ने जो सर्वे किया दो विद्यालय को हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट किया था, एक चैलाहा पंचायत में दहिता टोला है वहाँ और दूसरा इस स्कूल के विषय में। बात करें पूर्वी चंपारण की तो बनकटवा प्रखंड स्थित SSB 71वीं वाहिनी के द्वारा निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर, पशु चिकित्सा शिविर और किसानों को कृषि के लिए निःशुल्क कृषि यंत्र वितरित किया गया। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि SSB कमांडेंट देवानंद ने संबोधित करते हुए कहा कि SSB सीमा की सुरक्षा ही नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों को स्किल ट्रेनिंग सहित कई सुविधा दे रही है। हम यही अपेक्षा रखेंगे जो SSB आप लोग की है, SSB कोई बाहर से नहीं आया है, इन्हीं सभी लोगों में से जो भर्ती हो गए वो SSB हो गए, है कि नहीं है? हम लोग कहाँ थे, इसी समाज में थे, वहाँ से यहाँ आ गए तो SSB हो गए। जल जीवन हरियाली को लेकर बनने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी रोहतास जिले में चरम पर है। बता दें कि सदर SDO राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में नगर में साइकिल मार्च निकाली गई। सासाराम के प्रखंड परिसर से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों पर यह साइकिल मार्च निकाली गई जिसके माध्यम से लोगों को मानव श्रृंखला के लिए आमंत्रित और जागरूक किया गया। वही सदर SDO राजकुमार गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण के प्रति सजगता के लिए यह एक बड़ा कदम है। ये मानव श्रृंखला जो 19 जनवरी को हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, उसी के तहत उद्देश्य और लोगों में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई है। ब्लॉक प्रखंड से हमारे इसको निकाल के हम लोग अपना शहर के लोगों को इससे रूबरू कराते हुए मानव श्रृंखला के पार्टिसिपेशन है उसमें भाग लें। अब आप बिहार न्यूज TV को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।